नमस्कार, मैं कार्तिक नायक हूँ और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में आज बात बीजेपी के नबन्ना मार्च की। कोलकाता में भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा ने मंगलवार की दोपहर में पश्चिम बंगाल सचिवालय तक मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने मार्च का नेतृत्व कर रहे विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी को सचिवालय नबन्ना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी और पार्टी के लोकसभा सदस्य लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में शुरू किए गए विशाल मार्च को पुलिस बल ने विद्यासागर ब्रिज के प्रवेश बिंदु पर ही रोक दिया। इसे दूसरे हुगली ब्रिज के रूप में जाना जाता है, जो कोलकाता को निकटवर्ती हावड़ा जिले के मदरतला से जोड़ता है, जहां राज्य सचिवालय नबन्ना है। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ विवाद होने के बाद शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी दोनों को गिरफ्तार कर जेल वैन में डाल दिया गया। अपनी यात्रा में विघ्न पड़ता देख विपक्षी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें पुलिस टीम ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े। शिवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें रोकने के लिए जानबूझकर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। बाद में शिवेंदु और लॉकेट दोनों को मध्य कोलकाता के लाल बाजार में पुलिस कोलकाता मुख्यालय ले आई। शुभेंदु ने इस घटनाक्रम पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। महिला कांस्टेबल लगाकर मुझे धक्का दे दिया जा रहा था और वे तीन आईपीएस अधिकारी ज्ञानवर्धन सिंह, आकाश मागरिया और सूर्य प्रताप यादव के निर्देशन पर ऐसा कर रही थी। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। संयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर जिलों के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कोलकाता से बाहर हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के कोलकाता से बाहर रहने का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने भाजपा की रैली को रोकने के लिए पूरे पुलिस बल को तैनात कर दिया है और खुद डरकर कोलकाता से बाहर चली गई हैं। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में 14 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा का यह प्रदर्शन सड़क पर ताकत दिखाने की कोशिश है। प्रदर्शन में भाजपा ने बंगाल में तृणमूल नेताओं के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल के दो कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी और अनुव्रत मंडल जेल में बंद हैं। तो देखते रहिए खबरों की खबर, क्योंकि खबरें हर खबर पर नजर। नमस्कार।